हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। कंपैटिबिलिटी टेस्ट, जोडियक पार्टनर्स, यही सीरीज चल रहा है ना। और ये गाना मैंने इसलिए गाया क्योंकि अब जिस राशि की कंपैटिबिलिटी मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही बेहतरीन है, उम्दा है। कौन सी? एरीज और जेमिनाई। यस, एरीज जो है वो फायर एलिमेंट की राशि है और जो जेमिनाई है वो एयर एलिमेंट की राशि है। अब फायर और एयर यानी कि एरीज एंड जेमिनीज में आपस में बहुत अच्छी बन सकती है, काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ये घुल मिल सकते हैं और काफ़ी एक जैसे होते हैं, काफी चीजें इन दोनों के बीच में कॉमन है। इनका वक्त खूब मस्ती मजे से निकलता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। जो फायर एलिमेंट की जो हमारी एरीज राशि है वो इंडिपेंडेंट होती है, फ्लर्टियस होती है, बिंदास होती है, एक्टिव होती है, फ्लेमी होती है, फ्लर्टियस होती है, ये सब तो बता दिया। साथ में मुंह फट होती है, ओपन माइंडेड होती है, जो दिल में होता है वो ऊपर सामने होता है और हमेशा ऊपर की तरह फ्लेम की तरह बढ़ती रहती है। और जो हमारी होती है जमनाई, इनका एलिमेंट है एयर, हवा। तो जब हवा चलती है तो फायर और भड़कती है, फिर हवा चलती है फिर फायर और भड़कती है, यानी कि दोनों का तालमेल देखिए, राइट? फ्लेम एंड ऑक्सीजन, वो हमेशा उसको बढ़ाती है, हमेशा बढ़ाती है। तो इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। जब ये लोग साथ होते हैं तो बहुत इंडिपेंडेंट होके मस्ती करके एक दूसरे के साथ खूब मस्त रहते हैं, और जब इनको स्पेस चाहिए होती है, अपना अपना स्पेस चाहिए होती है, इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, तो ये स्पेस भी देते हैं, ज़्यादा एक दूसरे के उस कहते हैं ना, इंटरफेयर नहीं करते हैं लाइफ में। जैसे कि अगर पार्टनर्स हैं तो हस्बैंड वाइफ हैं या लव पार्टनर्स हैं, जितनी देर साथ में रहे रहे साथ में, उसके बाद तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हारी अपनी लाइफ है, दोनों अपनी अपनी लाइफ अपने हिसाब से एंजॉय करते हैं और कोई भी हर्ट नहीं होता, बुरा नहीं मानता। टुगेदर दे क्रिएट अ वंडरफुल वर्ल्ड। बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है, जो एरीज होते हैं काफ़ी सच्चे होते हैं, जो अंदर होते हैं वो बाहर होते हैं, लेकिन जो ये जेमिनाइज होते हैं ये डुअल करेक्टर होते हैं, इनकी स्प्लिट पर्सनालिटी होती है। तो इनका पार्टनर, चाहे ये इनका मन नहीं है कुछ करने का या मूड ऑफ है या किसी से बाहर से लड़के भी आए, तो इवन अपना पार्टनर को देख के पार्टनर क्या चाहता है अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, यानी कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और काफ़ी जो केयरिंग भी होते हैं। तो वक्त के साथ उसकी नज़ाकत देखते हुए ये अपने एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एरीस और जेमिनाई का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, अगर ये आपस में लाइफ पार्टनर बने तो इनकी लाइफ में काफ़ी पीस रहता है, प्यार रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, कोऑपरेशन रहता है। तो जिनके पार्टनर्स हैं उनके लव लाइफ बहुत अच्छी होती है क्योंकि फायर एयर, एयर फायर को भड़काती है और फिर उसके साथ मस्त होके घूमती है, फिर बिल्कुल ऐसे ना। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड कीप वॉचिंग माई प्रोग्राम्स। मैं हूँ आपकी अपनी सलमा चबाना। थैंक यू सो मच।